हेलो मैजिकल माइंड, वेलकम टू एडवर्टाइज डियर। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं लीवरेज एनालिसिस की, और लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं ये चीज बताई थी, और अभी हम बात करने जा रहे हैं लीवरेज की। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लीवरेज का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो अगर हम लीवरेज की मीनिंग की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि एक ये रेशियो होता है। रेशियो में आपने देखा होगा कि अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, राइट। रेशियो में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि रेशियो क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स का, तो ये भी एक रेशियो है। अगर मैं बात करूं लीवरेज की तो लीवरेज क्या है, आपका एक रेशियो है जिसकी हेल्प से हम दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम भी क्या है, लीवरेज एनालिसिस, राइट। तो ये बताता है कि एक वेरिएबल, जो भी इंटर रिलेटेड वेरिएबल है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, विच रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिवनेस और इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है लीवरेज एनालिसिस में, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल में यहाँ क्या क्या आ जाता है, वेरिएबल में यहाँ आ जाता है डियर सेल्स, ठीक है, सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आपका क्या आ गया, जितनी भी चीजें आपके इनकम स्टेटमेंट में थी, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ईबीटी आ गया, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब आपके क्या आ गए, वेरिएबल। तो इन सारे वेरिएबल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, चीजें कैसे चेंज हो रही है। अगर हम एक वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो जो बाकी वेरिएबल है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, इस चीज को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो लीवरेज यहां पे क्या है, लीवरेज यहां पर आप कह सकते हैं कि एक टूल है, और इस टूल की हेल्प से हम बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड ओवरऑल रिस्क को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके चेंज का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स पे क्या पड़ रहा है, और दूसरे वेरिएबल्स पे जो चेंज हो रहा है उसकी हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि किसी कंपनी में या बिजनेस में बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और ओवरऑल रिस्क क्या है और कैसा है। तो डियर जब रिस्क की बात आ गई तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रिस्क किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रिस्क आप किसे कहते हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं। तो रिस्क का मतलब डियर आप जानते हो, अलग अलग जगह रिस्क का डिवीजन अलग अलग होता है। रिस्क का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस चीज की पॉसिबिलिटी, कि जो एक्चुअल रिटर्न है वो आपका क्या कर सकता है, वेरी हो सकता है। किस चीज से वेरी हो सकता है, जो आपने अंदाजा लगाया था, एस्टिमेट किया था, यानी कि आपका वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न की बात करता है। किसकी बात करता है, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न की बात करता है। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न आप रिस्क को बोल सकते हैं। हर जगह आप यही बोला जाएगा कि जो रिटर्न आपने सोचा था मे बी वो रिटर्न ना आए, उससे वेरी करता हुआ जो है रिटर्न आए, कुछ अलग रिटर्न आए। इसका मतलब ये है कि ये जो चांसेस ऑफ वेरिएशन होता है, और वेरिएशन में आपको किस चीज का डर होता है कि कहीं आपको लॉस ना हो जाए, इस चीज की स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। कहीं पे भी आप किसी भी बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी भी बिजनेस में आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि आपको वहां पे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही देखने जा रहे हैं कि बिजनेस में क्या लॉस होने के चांसेस हैं, क्या बिजनेस में रिस्क जो है वो ज्यादा है कि कम है, इस चीज को हम किस चीज के थ्रू मेजर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लीवरेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, राइट। तो लीवरेज में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं रिस्क की बात कर रही हूं तो डियर दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क और आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरा हम किसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं, राइट।
तो बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? देखिए दो नाम है, बिजनेस रिस्क भी बोल सकते हैं और ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हैं। डियर आपको मालूम है जब भी कोई बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि हम बात कर लें बिल्डिंग के रेंट की, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लें बिल्डिंग के रेंट की, ठीक है। तो बिल्डिंग के रेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके बिजनेस में इस खर्चे को, जो आपका रेंट का खर्चा है, एक्सपेंस है, इस खर्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है चाहे आपकी सेल हो रही हो ना हो रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आपको ये खर्चा करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको ये कॉस्ट इनकर्ड करनी ही पड़ेगी। तो इस टाइप के रिस्क को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। ये कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अवॉइड क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे वहां पे कुछ ना कुछ फिक्स्ड नेचर का खर्चा तो होगा ही होगा, जिस खर्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके बिजनेस में आमदनी यानी कि सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसको आप क्या बोलते हो? बिजनेस रिस्क, या बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड। ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ? बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो रिस्क है वो रिस्क है। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ? डियर यहां पे किस फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही थी? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही थी, यानी कि बिजनेस आप चला रहे हो। अब बिजनेस बिल्डिंग का रेंट क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए, उसका रेंट जाता ही जाता है चाहे मेरा बिजनेस चले चाहे ना चले, आमदनी हो या ना हो। तो ये वाली बात क्या हुई? ऑपरेटिंग। अब यहाँ पे देखिए टर्म क्या आ रहा है, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में बताया था, यहाँ पे टर्म आ रहा है फाइनेंशियल। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अगर मैं बिजनेस में बात करूं तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या हुई? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स, यानी कि अगर मैंने उधारी उठा रखी है या कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या कंपनी ने बिजनेस को चलाने के लिए लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना होगा। और ये खर्चे ऐसे हैं जिनको इस बात से मतलब है ही नहीं कि आपकी इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। चाहे आपकी इनकम हो चाहे ना हो, आपको ये खर्चे क्या है? करने ही पड़ेंगे, राइट? तो इस टाइप के खर्चों को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। अब अगर हम बात करें आपके लीवरेज एनालिसिस में तो दो टाइप की फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है, एक तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आती है, और अगर कंपनी जो है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रही है, क्योंकि प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में जो प्रिफरेंस डिविडेंड होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड प्रिफरेंस डिविडेंड होता है, राइट? जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो आपका क्या होता है? फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का जो परसेंटेज है, राइट? तो ये दो टाइप के जो खर्चे हैं ये आपके किस में आते हैं? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। ये आपके किस में आते हैं? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपके आपकी आमदनी हो रही है कि आपकी आमदनी नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं। बिजनेस और ऑपरेटिंग रिस्क को डिटेल में आपको बताया गया है। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि बिजनेस रिस्क का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क, हेडिंग में ही बता दिया, ठीक है। तो ये रिस्क किस चीज से रिलेटेड होता है? मैंने कहा बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, यानी कि नॉर्मल डे टू डे जो बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये चीज आपको पता लगी, ठीक है। दीज ऑपरेशंस कैरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच इनकर्ड वेदर फर्म मेक्स प्रॉफिट और नॉट, ये भी चीज मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है? इंप्लॉयज की सैलरी है, रेंट है, मिनिमम टेलीफोन बिल है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मतलब कि आपका आप भले ही बिजली ना चलाओ लेकिन एक मिनिमम बिल तो आता ही आता है ना, ठीक है। विच आर टू बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास एडिक्वेट कंसिडरेशन है इसको कवर करने के लिए या नहीं है, यानी कि आपकी इनकम इसको कवर कर पा रही है या नहीं कवर कर पा रही है, राइट? तो इस रिस्क को हम लीवरेज में मेजर करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से। किससे मेजर करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से मेजर करते हैं, अभी जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट? तो आपका जो ऑपरेटिंग रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, उसको मेजर करने का टूल क्या है?
टूल क्या है? टूल आपका है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम बोलते हैं DOL, राइट। ऐसे ही अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो फाइनेंशियल रिस्क है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे आपका क्या हो गया, डेट हो गया, और क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, अलोंग विद ओनर्स इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज ओनर्स इक्विटी यूज्ड एज बेसिस टू रेज डेट, राइट। क्योंकि अगर आपके पास इक्विटी होगी तभी आप क्या रेज कर सकते हो, डेट को रेज कर सकते हो, ठीक है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये भी आपके इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट होती है कि फर्म जो है प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। इस टाइप के रिस्क को मेजर करने का जो टूल है उसे हम क्या बोलते हैं, DFL। DFL का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसको हम क्या बोलते हैं, DFL, राइट। तो पहली चीज तो ये, जो हम ऑपरेटिंग रिस्क की यहां पर बात कर रहे थे, ये आप याद रखिएगा, आप इस ऑपरेटिंग रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। हर एक बिजनेस में ये रिस्क होता ही होता है। आप किसी भी बिजनेस को चलाने जाओगे, क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट ना हो? नहीं, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती ही होती है। जबकि अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं, तो अगर आपकी कंपनी क्या है, अनलीवर्ड कंपनी है, अनलीवर्ड कंपनी का मतलब क्या हुआ, प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। देखिए फाइनेंस में वोकैब का बहुत रोल है, इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी वोकैब का बहुत रोल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी आप फाइनेंस ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही चीज के कई कई नाम होते हैं। तो प्लीज जैसे जैसे मैं आपको चीजों के नाम बताती जाऊंगी, आपको वो नाम ध्यान में रखने जरूरी है। तो अगर कोई कंपनी प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, यानी कि उसने फाइनेंसिंग का जो सोर्स है केवल इक्विटी शेयर को ले रखा है, ना तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, ना डिवेंचर इशू कर रखे हैं, ना तो कंपनी ने लोन ले रखा है, तो इसका मतलब वहां पे कोई भी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, राइट। तो एक अनलीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी कंपनी जिसमें डेट ना हो, यानी कि प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, या इसका एक और नाम हो सकता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्योरली जिसको हम बोल सकते हैं अनगियर्ड कंपनी, अनगियर्ड कंपनी या अनलीवर्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें डेट ना हो, जिसने डिबेंचर इशू ना कर रखे हो, राइट। तो अगर कंपनी अनगियर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी है, यानी कि प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। यानी कि फाइनेंशियल रिस्क को आप क्या कर सकते हो डियर, आप अवॉइड कर सकते हो अगर कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग केवल किसके थ्रू कर रखी हो, इक्विटी के थ्रू कर रखी हो, राइट। तो वहां पे फाइनेंशियल रिस्क नहीं हो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और डियर यहां पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। और इसके रिगार्डिंग मेरी जैसे ही बुक ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यहां पर मिल जाएगा। थैंक यू डियर, कीप लर्निंग।